हाय दोस्तों, टेक्निकल शिव टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। फैन रेगुलेटर का कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हम करके आपको दिखाएंगे। बोर्ड के अंदर में दोस्तों कहीं पे भी हमको टेप नहीं लगाना है। तो चलिए, हम वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा चार मॉडलर का सीट है, इसमें एक फैन रेगुलेटर लगाए हैं और दो स्विच लगाए हैं। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा फैन रेगुलेटर का दो वायर है। तो हमको ऐसा कनेक्शन करना है दोस्तों जो देखने में भी अच्छा लगे, और प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करना है, कोई दिक्कत ना हो, अंदर में टेप लगाना नहीं है कहीं पर भी। तो चलिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा दो स्विच है, इसके नीचे वाले टर्मिनल पे दोस्तों आपको हमेशा फेज वायर लगाना है। तो चलिए दोस्तों, हम नीचे वाले टर्मिनल पे, ये जो मेरा नीचे वाला टर्मिनल है, हमेशा इसमें फेज वायर लगेगा। तो चलिए देखिए, इसमें हम फेज वायर का कनेक्शन फर्स्ट में कर ले रहे हैं। ये मेरा फेज वायर लगा है। इसके बाद दोस्तों, फेज वायर लगाने के बाद दोस्तों फैन का एक वायर जो है वो हमको फेज वायर के साथ ही कनेक्शन करना है। तो चलिए हम इसके साथ एक साथ मिला के दोनों को कर दे रहे हैं। देखिए, दोनों को एक ही साथ कर दिए फेज के साथ। अब मेरा फेज में पावर डायरेक्ट जाएगा दोस्तों, इसमें कोई स्विच के साथ वो कनेक्ट नहीं रहेगा। इस टाइप से फेज को डायरेक्ट रेगुलेटर पर लेके जाना है। इस टाइप से कनेक्शन कीजिएगा। देखिए, मेरा फेज वायर डायरेक्ट रेगुलेटर पे कनेक्शन हो गया। अब एक वायर बचा दोस्तों, इस वायर को कीजिएगा आप कि ये जो मेरा दूसरा स्विच है, इस स्विच के आप इसमें फेज वायर नहीं आएगा, इसमें दूसरे स्विच में फेज वायर नहीं आएगा। ये जो आपका रेगुलेटर का एक वायर है, इसको आप नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्शन कीजिएगा। देखिए, जैसे हम कर रहे हैं, नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, ये इस स्विच में दोस्तों हम फिर नीचे वाला टर्मिनल पे हम फेज वायर को लगा लिए, रेगुलेटर का वायर को लगा लिए। अब जो ये ऊपर वाला टर्मिनल बच रहा है दोस्तों, उसमें हमको फैन वायर, फैन का जो फेज वायर आएगा उसको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, अभी तो मेरे पास फैन है नहीं, तो फिलहाल हम देखिए ये बल्ब को लगा के आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसको कनेक्शन करना है। ये देखिए, ये बल्ब का एक वायर है दोस्तों, एक बल्ब का वायर को हम आपको ऊपर वाला टर्मिनल पर लगा ले रहे हैं। देखिए, इस टाइप से ऊपर वाला टर्मिनल पर लगाइएगा। इस टाइप से दोस्तों देखिए, इसके टर्मिनल का ये स्क्रू लगा दीजिएगा अच्छे तरह से। कभी भी स्क्रू लगाइएगा दोस्तों, प्रॉपर तरीके से स्क्रू टाइट कीजिएगा। तो देखिए, ये वाला टर्मिनल पे मेरा लगभग सब पूरा हो गया है, इसमें कोई खाली नहीं, इसमें एक खाली है। तो दोस्तों, इसमें आप कोई भी लाइट का कनेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको अभी केवल फैन रेगुलेटर का कनेक्शन दिखा रहे हैं, इसलिए उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, वो ऐसे ही खाली छोड़ दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक बल्ब का जो वायर बच रहा है, ये मेरा फैन ही है। तो फैन का एक वायर बच रहा है, वो न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, हम इसको न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर ले रहे हैं। ये न्यूट्रल के साथ हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहे हैं। और दोस्तों, इसमें हम कनेक्ट कर दिए न्यूट्रल को। अब दोस्तों देखिए आप, ये जो मेरा फैन है, अभी इसको हम फैन ही मान रहे हैं, क्योंकि फैन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जिस कारण हम आपको बल्ब के साथ आपको कनेक्शन करके दिखा रहे हैं कि रेगुलेटर का कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, रेगुलेटर इसमें हम बोर्ड में कहीं भी, आप न्यूट्रल वायर में आप टेप लगा सकते हैं, लेकिन फेज वायर के साथ कहीं टेप नहीं लगा सकते। तो देखिए, हम इसमें कर लिए हैं कनेक्शन। अब आपको हम इसके साथ स्विच को ऑन करके हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये फैन रेगुलेटर काम करता है। तो देखिए दोस्तों, हम स्विच ऑन कर लिए हैं। अब देखिए, फैन रेगुलेटर मेरा बल्ब भी जल रहा है, लेकिन बल्ब सही से ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मेरा रेगुलेटर जो कनेक्शन किए हैं, ये मेरा तीन नंबर पे है अभी। देखिए, अभी दो नंबर पे किए दोस्तों, देखिए इसका लाइट कम हो गया। अभी एक नंबर पे किए, देखिए अभी इसमें लाइट बहुत ही कम दे रहा है। तो इस रेगुलेटर में दोस्तों पाँच पॉइंट है, इसको घुमाइएगा तो पाँच बार घुमाना पड़ेगा, तब जाकर फुल स्पीड होगा। देखिए, दो नंबर पर किए हैं तो आपका हल्का लाइट ग्लो कर रहा है। तीन नंबर पर किए दोस्तों, देखिए आपका और थोड़ा सा ग्लो किया। चार नंबर पर किए दोस्तों, देखिए और ग्लो किया। तो पाँच नंबर पे किए, देखिए दोस्तों फुल लाइट जल गया। इस टाइप के दोस्तों आप कनेक्शन कीजिएगा कभी भी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।